सुनने वाला है पार्टी का गठबंधन हो रहा है, यदि पार्टी गठबंधन में होता है तो कितनी सीटों पर लड़ेगी आपकी पार्टी? पहले तो सबसे पहले सब क्रांतिकारी जैमी आदाब, पार्टी का गठबंधन ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य ये तय करेंगे। और भाई ने हमें प्रत्याशी दिए हैं पूर्व जिलाधिकारी डीएम साहब, तो हमारा मकसद है चुनाव लड़ना मजबूती के साथ। वो पार्टी का गठबंधन करेगा राष्ट्रीय नेतृत्व तय। यदि गठबंधन होता तो प्रत्याशी चेंज होंगे फिर आपके? नहीं, ऐसा क्यों? गठबंधन हुआ तो पक्का थोड़ी हापड़ सीट आपको मिल जाएगी। नहीं, हमारी मेहनत है सबसे ज्यादा, पार्टी की आजाद समाज पार्टी सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, सबसे ज्यादा प्रचार कर रही है और लोगों के बीच जा रही है, उनकी समस्या सुन रही है। हमारे प्रत्याशी डीएम साहब होंगे और इंशाल्लाह गठबंधन में भी अगर हुआ तो वो भी हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी जाने, पार्टी जाने, अगर हुआ अगर ऐसे पॉसिबल। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं आप? हम तो उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सर। क्या देख रहे हो आप? हम देख रहे हैं जो देश में किसी गरीब मजलूम की आवाज नहीं उठा रहा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आवाज उठा रही देश के अंदर, जहां सारे नेता सोए हुए हैं। कोई भी, चाहे कोई सा भी देश में मुद्दा रहा हो, चाहे वो मुस्लिमों के खिलाफ हो, चाहे दलितों के खिलाफ हो, चाहे ओबीसी के खिलाफ हो, सिर्फ हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस सबको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस में 40% महिलाओं को सीट मिल रही है, क्या फर्क नहीं पड़ेगा इस बार कांग्रेस उभर के आ रही है? कांग्रेस जो उभर के आ रही है वो सिर्फ मीडिया दिखा रही है, कांग्रेस कहीं नहीं उभर रही। जहां कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जी, आप कह रहे हैं मीडिया दिखा रही है उभर के नहीं आ रही है, नहीं, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कैसे कह सकते हैं आप? जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां राज्यों में सरकार है वहां लड़कियों के रेप की घटनाएं बहुत बड़ी, महिलाओं का सम्मान वहां भी तो जरूरी है। या चुनाव के टाइम पर जो माननीय प्रियंका गांधी जी आई हैं, लड़कियों का सम्मान तो और राज्यों में भी चाहिए ना, बहन बेटियां तो हमारी और राज्यों में भी है। ये तो एक चुनावी इनका स्टैंड है और कुछ नहीं है। मान सम्मान महिलाओं के और बेटियों की जो लड़ाई लड़ रही है वो चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजनाएं निकाली हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं, गरीबों लोग अमीर तो उसका बेनिफिट उठ रहा है, आप किस नजर से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सिवाय झूठ बोलने के कुछ काम नहीं करती। और आप पिछले 6-7 सालों से तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो गुजरात से उठकर दिल्ली में आए हैं, उन्होंने पहले सबसे पहला नारा दिया था, मुझे मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। साथियों, आपने पीछे देखा है, हमने देखा है कि जहाँ गरीबों की मजलूमों की लाश उस गंगा में तैर गई हो, जो भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते हो, वो आज ये बात करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, सिवाय झूठ के अलावा उनका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कोई काम नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर, सिर्फ झूठ के सिवा। अभी पीछे बयान आया था मोदी जी का, साहब क्या अवैध कटान खत्म कर दिया जाएगा, मेरठ में हुआ भी है, उसका असर आप लोगों को देखने को मिला है आपकी विधानसभा के अंदर, कैसे देखते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जहां जहां मुस्लिमों के कारोबार है, सिर्फ उन पर तलवार चलाने का काम है, किस तरीके से मुसलमान इस देश में तनहाली की जिंदगी जिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही काम करने हैं। और ये सिर्फ दिखावा है, उनकी दुश्मनी मुसलमानों से भी नहीं, उनकी दुश्मनी पूरे देश के गरीबों मजलूमों से है। वो हर प्रदेश में जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं, उनकी लड़ाई हर जहां जाए, हरियाणा में जाएंगे हमारे जाट भाइयों से कर देंगे वर्सेज ओल बिरादरी, हमारे सहारनपुर जाएंगे दलित वर्सेज स्वर्ण जाति, इनका तो काम ही ये है, इन्हें दंगा कराना है और इन्हें चुनाव जीतने हैं, इनका मकसद ये रहता है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इन्हें हराने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश से अब इन्हें खदेड़ने का काम करेंगे।